दोस्तों स्वागत है आपका हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सीरीज में, जिसमें हम आपके लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग पॉइंट्स लेके आए हैं। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए बहुत अच्छा एक इफेक्टिव पॉइंट लेके आए हैं, K5 यानी कि किडनी मेरिडियन का 5 नंबर पॉइंट। ठीक है, तो इसका क्या क्या बेनिफिट है वो हम आपको बताएंगे क्लासिकल एक्यूप्रेशर में, सुजुक थेरेपी में, और इसके आपको क्या क्या कैसे कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है, इसका कितने टाइम के लिए करना है, वो सारी चीजें बताएंगे। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, और जो हम आपको जानकारियां दे रहे हैं ये आप सभी लोगों को शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाए। जैसे सभी लोग आज छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवाई लेते हैं, साइड इफेक्ट होता है और फिर भी कोई फायदा ज्यादा हो नहीं पाता है। तो इन सभी चीजों को जब आप अपनी डेली रूटीन में आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि आपको बिना दवाइयों के इतने अच्छे से आराम मिल पा रहा है। हो सकता है किसी को थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, अब जिसको जितनी प्रॉब्लम है उतना टाइम कई बार लग जाता है, तो आप लोग इसको घर रह के आराम से कर सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं, कन्वीनियंट है, यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, किसी भी आप इस लोगों को शेयर कर सकते हैं सारी जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी है। तो लोग ध्यान दीजिए, हम आपको जो पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। K5 जैसे मैंने आपको बताया, K5 जो पॉइंट है वो हमारे क्लासिकल एक्यूप्रेशर में कहाँ होगा और हमारे सुजुक थेरेपी में फिर बताएंगे कहाँ होगा। तो ध्यान से देखेंगे, हमारा जो टखना होता है, इंटरनली जो टखना होता है इंटरनली, उस टखने में ये हमारा अगर यहां से हम देखेंगे टखना, तो हमारे टखने के ये लेफ्ट साइड है इस तरफ, ठीक है, थोड़ा एडी के नजदीक में है ये K5 पॉइंट, टखने से नीचे एडी की तरफ थोड़ा है, ठीक है, पैर में। अब हाथ में अगर बात करें तो हाथ में कहाँ पड़ेगा, तो मैं आपको ये ड्रॉ करके बताता हूँ ये हाथ में पॉइंट कहाँ पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को ये दोनों के दिखाता हूँ, ये पॉइंट K5, ठीक है, दोनों तरफ बना देता हूँ ये पॉइंट, अब देखेंगे ये हमारी दोनों हाथ है, तो दोनों हाथ में हमारी जो मिडिल फिंगर होगी उसमें ये पॉइंट आएगा। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे बारी बारी, ये देखेंगे कहाँ पड़ेगा पॉइंट, जॉइंट पे हमारा K3 पॉइंट था तो उससे थोड़ा सा ऊपर पड़ेगा ये K3 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद इधर की मिडिल फिंगर में देखेंगे, जॉइंट जो यहाँ K3 था हमारा, उससे ऊपर ये K5 नंबर पॉइंट है, ठीक है, आपने अच्छे से देख लिया। अब इसको ध्यान देंगे, चेक भी कर सकते हैं आप इसे, अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो ये आपको इसमें पेन भी करेगा, ठीक है। अब मैंने आपको पॉइंट्स की लोकेशन बता दी है, अब ये किन किन प्रॉब्लम पे आपके काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है इस पॉइंट का, गुदा मार्ग से संबंधित, चाहे आपको पाइल्स हो, फिशर हो, ठीक है, या जो भी और प्रॉब्लम हो गुदा मार्ग से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम हो आपको, उन सब में आपको फायदा करेगा K5 पॉइंट और कब्ज, गुदा मार्ग से संबंधित और कब्ज में आपको पूरा ही फायदा करेगा, ठीक है, एक ही सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। दूसरा, अगर किसी को भी एडी में दर्द होता है तो एडी दर्द में बहुत ज्यादा आपको फायदा देने वाला है, एडी दर्द में बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, तो ये एडी दर्द में भी आप इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो तीन चीजें मैंने आपको बताई, गुदा मार्ग से संबंधित, कब्ज से संबंधित और एडी से संबंधित प्रॉब्लम में आपको फायदा देगा, तीन चीजें मैंने आपको बता दी है। एक और बता देता हूँ, अगर आप लोग इसको ध्यान रख पाए, इम्प्लीमेंट रख पाए, आंख से संबंधित चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी दूर की नजर कमजोर हो, नजदीक की नजर कमजोर हो, या आपको धुंधला दिखता हो, उन सब में आपको फायदा करेगा, ठीक है, चार चीजें मैंने आपको बताई है। अब इसका ट्रीटमेंट आपको कैसे कैसे करना है, पहले क्लासिकल एक्यूप्रेशर की बात कर लेते हैं। क्लासिकल एक्यूप्रेशर में आपकी रबड़ चिमनी है, इसकी सहायता से पॉइंट दबा सकते हैं, ये 5 पॉइंट है, खुद से दबा सकते हैं, किसी से दबा सकते हैं, एक दूसरा आप थंब से भी किसी से रिप्रेस करवा सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। तीसरा, सुजुक थेरेपी की बात करें, जो थेरेपी में K5 पॉइंट है, दोनों तरफ करेंगे, ठीक है, ये K5 ये पॉइंट, तो करना क्या है, सेम 15 से 20 बार प्रेस करना है, चाहे क्लासिकल एक्यूप्रेशर में हो या सुजुक थेरेपी में हो, 15 से 20 बार प्रेस करना है। अब इसको करना कितने बार है, तो आपने जैसे मान लो 15 बार इसको प्रेस किया, ठीक है, तो अगर आप इसको हर एक घंटे या 2 घंटे में कर सकते हैं रिपीट, दिन में आप 5 बार 6 बार 10 बार जितना आपको कन्वीनियंट लगे उतना कर सकते हैं, और आप इसकी ऑयल लगा के मसाज भी कर सकते हैं, जैसे कोई भी आप ऑयल लेंगे चाहे क्लासिकल एक्यूप्रेशर में यहाँ करें, आप मसाज भी कर सकते हैं इस पॉइंट, ऐसे थंब से, ऐसे इस तरह से, ये ऐसे मसाज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे मसाज कर सकते हैं इसके इस फिंगर पे, ऐसे मसाज कर लिए, ठीक है, ये मसाज का मैं तरीका बता दिया आपको, दबाने का, मसाज का भी बता दिया,
तीसरा, अगर आप कहते हैं किसी हमें इस पे मैग्नेट भी लगानी है, तो ये सब ऑयल वगैरह की मसाज करने के बाद वॉश कर लेंगे, क्योंकि तो जहां ऑयल लगा होगा वहां टेप की अच्छी से पकड़ नहीं बनेगी, ठीक है। उसके बाद में आप ये इसी K5 ऑयल पे ये स्टार मैग्नेट जो हर बार दिखाते हैं बताते हैं हम आपको, वो स्टार मैग्नेट ऐसे लगा देंगे दोनों हाथों में। अगर दोनों तरफ प्रॉब्लम है तो दोनों तरफ लगाएंगे, एक तरफ प्रॉब्लम है तो एक तरफ लगाएंगे। एडी दर्द अगर एक तरफ है सेम साइड लगाएंगे, सेम साइड प्रॉब्लम है तो सेम साइड लगाएंगे। कब्ज है या नजर की जो प्रॉब्लम है तो उनमें दोनों तरफ लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टेप से अच्छे से बैंड कर देंगे, चाहे क्लासिकल एक्यूप्रेशर में या सुजुक थेरेपी में करें, ठीक है। ये मैग्नेट का टाइम जैसे आपको हर बार बताते हैं 8 से 10 या 12 घंटे तक रख सकते हैं, रात को लगाएंगे सुबह को निकाल देंगे, ठीक है। दिन में कितनी बार मसाज इसी कर सकते हैं जैसे हमने आपको बताया, तो ठीक है दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छा इफेक्टिव पॉइंट हमने बताया, और भी अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।